1932 की बात है। मेरे पिताजी जीवन भर 1932 के अलावा कुछ नहीं बोले। देखिए बिल्कुल 1932 की बात है। मेरे पिताजी जीवन भर 1932 के अलावा कुछ नहीं बोले। मैं भी आज बोलता हूँ और हमारी सरकार ने किया भी है, पर पता नहीं किस कारण वजह से राज्यपाल महोदय ने उस फाइल को लौटा दिया जाता है। झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। कांग्रेस की ओर से भी लगातार तमाम चीजों को देखा जा रहा है, रणनीति के तहत काम जो है वो किए जा रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है झामुमो नेता अखिलेश महतो। हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां इनकी ओर से की जा रही है। ये माना जा रहा है कि इस बार आप चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है आपकी ओर से? लगातार आप क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रहे हैं और नजर भी आ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या भी सुन रहे हैं, निदान भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तैयारी हम लोग का चुनाव, हम लोग लगातार 5 साल ही काम करते रहते हैं, कोई तैयारी की आवश्यकता पड़ती नहीं है। हम लोग मैदान में 5 साल रहते हैं, कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ती है। जिस तरह मेरे पिताजी लगातार 20 सालों से सेवा की है डुमरी के जनता का, उसी प्रकार मेरी मम्मी भी कर रही है, मैं भी लगा हुआ हूँ। और पार्टी जो जिस तरह का जिम्मेवारी दी जाएगी पार्टी की तरफ से, मैं बखूबी उसको निभाऊंगा। स्वर्गीय जगन्नाथ दास 4 टर्म से वहाँ से विधायक रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात करते थे, आप भी क्षेत्र का भ्रमण करें, क्या समस्या सबसे ज़्यादा दिख रही है? क्योंकि उनका कहना था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ के लोगों के लिए, उन्होंने तमाम सुविधाएं उन लोगों को दे रखी थी। कौन कौन सा आपको ऐसा लगता है कि समस्या वहाँ उत्पन्न हो रही है जिसको आपको ठीक करना है? देखिए जो जो बड़ी बड़ी समस्या थी उस क्षेत्र की, लगभग उन्होंने निदान बोले समाप्त कर दिया गया है। हर क्षेत्र में बिजली के बारे हो, स्वास्थ्य के बारे हो, शिक्षा के बारे हो, हमारे क्षेत्र में लगातार हर क्षेत्र में लगातार अभी कार्य चल रहे हैं। पीएचडी से संबंधित बताएं तो मेरे क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ के भी योजनाएं मेरे धरातल पे अभी काम जारी है। स्कूल से संबंधित आपको बताएं, लहिया में एक पिछड़ी आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, नर्रा में बालिकी आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, तारानारी में संस्कृत विद्यालय बन रहे हैं, आपका चिरूडी में आईटीआई कॉलेज बन के तैयार हो चुके हैं, नावाडी में मॉडल डिग्री कॉलेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, नेत्रहाट की तर्ज पे हम लोग जमीन खोज रहे हैं, मिल भी गया है, बहुत जल्द उसका हम लोग कैबिनेट से पास करवाने का मैं कोशिश करूँगा। और डुमरी में भी एक डिग्री कॉलेज बन के तैयार है। शिक्षा का क्षेत्र में नावाडी से बेहतर हमको नहीं लगता कहीं और सुविधा आने वाले समय में होगा। अच्छा, आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आप प्रयास कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हमेशा से ही वहाँ से खबरें आती है कि शिक्षा की कमी है, तो क्या उसको दूर करने के लिए आपने कुछ रोड मैप तैयार कर रखा है ताकि वहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो? मैंने उस क्षेत्र में मैंने रहती है, मंत्री जी रहती है, जो भी समस्या स्कूल से संबंधित आते हैं उस पर तीव्र काम करते हैं। शिक्षक की समस्या हो, बच्चों से संबंधित हो, जहाँ आवश्यकता है जिनके माध्यम से काम होना है, डीओ हो, डीएससी हो, सचिव हो, डायरेक्टर हो, ऑन द स्पॉट हम लोग काम करते हैं। और शिक्षक की कमी तो हर जगह है, ये किसी से छुपा भी नहीं है, सरकार हमारी बहाल भी कर रही है, तो इससे लगता है कि कुछ ना कुछ तो जो खामियां रही धीरे धीरे मिटाने का हमारी सरकार काम कर रही है। अच्छा, स्वर्गीय जगन्नाथ दा का बहुत सारा सपना था, सबसे पहले 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, हर बार वो यही बोलते थे कि वो उनका सपना है, तो सपने को कैसे पूरा करना है, क्या कुछ आपने सोचा है? देखिए बिल्कुल 1932 की बात है। मेरे पिताजी जीवन भर 1932 के अलावा कुछ नहीं बोले। मैं भी आज बोलता हूँ और हमारी सरकार ने किया भी है, पर पता नहीं किस कारण वजह से राज्यपाल महोदय ने उस फाइल को लौटा दिया जाता है। कहा गया उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं।
त्रुटियां है तो हमारी विधानसभा में भी पास किया गया, कैबिनेट से भी पास किया गया, क्या त्रुटियां है उसको गवर्नर साहब को थोड़ा सा, इस प्रदेश के लोगों को भावना को समझना चाहिए। मैं उनसे आग्रह पूर्वक भी निवेदन भी करूंगा, यहाँ की जो जनता का मांग है, पूरा झारखंड का मांग 1932 है, वो लागू हो जाए तो हमको लगता है पूरा प्रदेश के लोग उनका आभार व्यक्त करेंगे। दादा ने काफी संघर्ष किया 1932 को लेकर, क्या इसको लेकर आपने हेमंत सोरेन से मुलाकात की? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब दादा विधानसभा जाते थे वहां पर हेमंत सोरेन से मुलाकात करते थे, उन्हें बताने की कोशिश करते थे कि 1932 कितना महत्वपूर्ण है, तो क्या आपने मुलाकात किया हेमंत सोरेन से एक बार भी इसको लेकर? जी, मैंने तो आग्रह पूर्वक निवेदन भी करता हूँ, हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन करना बाकी रह गया है कैसे हो, इस पर थोड़ा सा मंथन क्या हो सकता है। मैंने उनसे निवेदन भी किया हूँ, करता भविष्य में भी रहूँगा जब तक लागू ना हो जाए, इसके लिए हमको जो करना पड़े करेंगे। अच्छा, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, क्या लगता है चुनौती कहाँ है? क्योंकि लोगों से तो मुलाकात कर रहे हैं, सभी लोगों से मुलाकात करें, रिव्यू भी आप ले रहे हैं, चुनौती कहाँ लग रही है आपको? कहीं कोई चुनौती नहीं है, डुमरी की जनता हमारे एक परिवार के रूप में है, उन्होंने 2005 से लगातार आशीर्वाद देते आ रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई चुनौती नहीं है। जिस तरह हम लोग उपचुनाव 1 लाख का जो पार का नारा था हम लोग पार किए, इस बार 1.5 लाख का टारगेट है, जरूर जीत हासिल करेंगे। अच्छा, एक नाम सामने आया है जयराम महतो, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इस बार आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने किस्मत आजमाई थी, 1.5 लाख लगभग वोट उन्होंने प्राप्त की थी, तो इस बार क्या लगता है कि कुछ अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या कुछ चैलेंज या फिर कुछ चुनौती का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा? कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, वहाँ की जनता देख रही है, डुमरी का जो विकास हुआ है कोई भाषण से लोग वोट नहीं देते हैं, विकास दिखती है, काम दिखती है। मैंने हम काम किए होंगे या काम कर रहे होंगे तो उसके बदौलत हमको वोट मिलेगा, यदि काम नहीं कर रहे होंगे तो जनता जवाब देगी हमको वोट के माध्यम से, कहीं कोई चुनौती नहीं है। ये कहा जाता है कि मास लीडर के रूप में उभर के वो सामने आए हैं, उनके साथ लंबी फौज है युवाओं की, तो क्या ऐसा लगता है कि कुछ सिंधमारी हो सकती है वोट में, या फिर ऐसा कुछ आपने देखा, आकलन किया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव बहुत अंतर है। 19 चुनाव में भी मेरे पिताजी लोकसभा के प्रत्याशी रहे, हमारे जो सांसद जी थे CP चौधरी जी, 1,08,000 वोट आया था और हम लोग 71,000 में अपने विधानसभा में सिमट गए थे, तो ये दोनों चुनाव काफ़ी अंतर है। और फिर हम लोग विधानसभा आया, फिर 31-32,000 वोट से चुनाव मेरे पिताजी ने जीता, तो ऐसा कहीं कोई चुनौती नहीं है। मैदान में जो आएगा, जिनको पार्टी मैदान में उतारेगी लड़ने के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक हम लोग सिपाही है, सिपाही बन के लड़ेंगे। अगर JMM की ओर से अखिलेश महतो को टिकट मिलता है तो अखिलेश महतो कौन कौन से मुद्दे के साथ लोगों के बीच जाएंगे, कौन कौन सी समस्या लोगों की सुनेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि क्षेत्र में कई समस्या है, चाहे पानी की हो, चाहे शिक्षक की कमी की बात हो, या फिर अन्य हो, किस तरीके से लोगों के बीच जाइएगा और अपनी बातों को रखिएगा? देखिए, जहाँ तक की जो समस्या है, हम लोग रोज जनता दरबार लगाते हैं, जो समस्या उत्पन्न होती है ऑन द स्पॉट हम समाधान करने का प्रयास भी करते हैं, और जहाँ जिस लेवल में होता है, ब्लॉक स्तर से होता है, जिला स्तर से होता है या राज्य स्तर से होता है, मैं प्रयास करता हूँ उसको समाधान करने का। और जहाँ तक कि जल की मामले है, पेयजल से संबंधित है, हमको नहीं लगता कोई पंचायत अछूता रहा होगा, कहीं जल नल में थोड़ा सा स्लोज काम चल रहा है। मैंने दोनों स्कूटी साहब को मंत्री जी के निर्देशानुसार मैंने बुलाया था, मंत्री जी का आदेश है कि जहाँ भी नल जल योजना पेंडिंग है या काम रुका हुआ या काम धीमा है उसको तीव्र गति से करने का आदेश उनको दिया गया है, उस पर कार्य भी हो रही है। तो आप 3 कौन से काम कीजिएगा अगर आपको टिकट मिलता है, अगर आप विधायक बनते हैं तो कौन सा ऐसा 3 काम कीजिएगा सबसे पहले? देखिए, जो मेरे पिताजी का सपना रहा, सबसे पहला 1932, ये सबसे मेरा बड़ा मुद्दा रहेगा। जब तक 1932 लागू नहीं होता है,
हम आवाज़ अपना उठाते रहेंगे और हमको नहीं लगता मेरे क्षेत्र में ऐसा कोई समस्या हो या मुद्दा हो। कोई मुद्दा हमको नहीं लगता मेरे यहाँ है, मुद्दा वहीं लोग बात अनाप शनाप कर सकते हैं, पर ऐसा कोई मुद्दा डुमरी में नहीं बचा है, कोई नहीं बोल सकता है। अच्छा, जब दादा थे तो लोगों से जुड़ते थे, आप उतने इन्वॉल्व नहीं होते थे ये सब चीज़ में, आज दादा हमारे बीच नहीं है, आप लोगों से मुलाकात करें, कितना मिस करते हैं दादा को? नहीं, वो तो मिस की जहाँ तक बात है वो तो आपको हम बता नहीं सकते हैं कि कितना मिस होते हैं। आज रहते तो कुछ और माहौल रहता और कुछ परिस्थितियाँ रहती, हमारी क्या पूरा राज्य की परिस्थितियाँ कुछ और होती। हमारे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से अपना वो काम करते थे और मेहनत से काम करते थे, उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा था और असर भी हो रहा था कि जिस विभाग में रहे आप आकलन भी कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने काम किया, ये ऐतिहासिक काम उन्होंने करके गए हैं इस राज्य के लिए। लेकिन अखिलेश जी, आपने देखा होगा कि युवाओं का कई मुद्दा है, लगातार आंदोलन करते हैं, सरकार से यही पूछते हैं कि 5 लाख नौकरियां कहाँ गई, बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया, तो आप भी सरकार में हैं, क्या लगता है कि क्यों इतनी लेट हो रही है? नहीं, हमारी सरकार तो अभी बहुत सारे ऐसे स्कीम लाए हैं युवाओं के लिए, जिला हमको लगता राज्य में 35-36 योजनाओं ऐसे चल रहे हैं जो युवाओं अपने रोजगार कर सकते हैं, कौशल विकास कराया जा रहा है, ऐसा अनेक है, बहालियाँ भी रेगुलर हो रही है। बीच में राज्य सरकार में बहुत ही उतार चढ़ाव आया, पर मैं उस बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ। सरकार को डिस्टर्बेंस किया गया है, उसके बावजूद भी कोरोना भी रहा, तो ऐसे में हम लोग डिस्टर्बेंस तो रहा ही, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी सरकार ने अभी सार्वजनिक पेंशन पूरा राज्य में दिया गया, पहले कोटा रहता था पंचायत में 10 देना है 20 देना है, अभी खोजने से सार्वजनिक पेंशन लागू होने के बाद खोजने से नहीं मिल रहा था। अभी हमारी सरकार तो इतना बड़ा स्कीम लेकर आई है 21 वर्ष से जो 49 वर्ष तक की सभी महिलाओं को, कहीं कोई जाति विशेष पे नहीं दिया गया, सभी महिलाओं को दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, हमको नहीं लगता कि देश में और किन्हीं प्रदेश में होगा। अच्छा, पहली बार आप नेता के तौर पर लोगों के बीच जा रहे, इससे पहले बेटे के तौर पर लोगों के बीच जाते थे, एक्सपीरियंस कैसा? मैं नेता अपने आप को भी नहीं मानता हूँ, मैं एक साधारण सा पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। जनता चाहेगी, जनता क्या मानती है वो उस पर हमको नेता माने या बेटा माने, हमको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो मेरा काम है, मैं लगातार क्षेत्र का लोगों के साथ मिलजुल के काम भी करता हूँ। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ अखिलेश महतो मौजूद थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर पार्टी की ओर से इन्हें टिकट दिया जाता है तो ये पूरे तरीके से तैयार है। इसके साथ मैंने इनसे सवाल पूछे कि अगर ये विधायक बनकर लोगों के बीच जाएंगे तो कौन सा ऐसा काम करेंगे, तो इनका कहना है कि जिस तरीके से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की बात करते थे, बिल्कुल ऐसा ही अपनी बातों को रखेंगे और जब तक 1932 लागू नहीं होगा तब तक ये अपनी बात को रखते रहेंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज वल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।